ए गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ सुनील सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाम राणा। मैं हूँ भी उड़ीसा के एक छोटे से गांव में सितोला और मैं भी अभी उठाऊँ वीडियो वगैरह एडिट कर रहे हैं और ऐसा कुछ नज़ारा है भाई ऊपर से। हाय हाय, टेरिस पे खड़ा हूँ, एकदम ट्रेडिशनल गांव है भाई, पूरा लोकल। और देखिए सूर्य भगवान सुबह सुबह क्या कहर बरसा रहे भाई, देख रहे हो। हाय हाय, दिख रहा है कैसा एकदम मस्त लाइफ है भाई गांव की, है ना। कितने पेड़ पौधे, वो पीछे सारे खेत वगैरह है मिक्को भाई के, बढ़िया है भाई। देख लो केला, एकदम साफ मौसम है तो वीडियो एकदम दमदार आता है भाई। गाय भैंस को कितनी सेफ्टी से रखते हैं क्योंकि बारिश बहुत होती है ना, इसलिए। चलो चलते हैं गांव के मतलब खेत की तरफ। आए हाय, ओहो खेत में घुसते भाई, खेत में अभी क्या ही दिखे, क्या क्या आते हैं ना। ओहे तगड़े तगड़े बारिश है भाई, अच्छा लगता है हरा भरा गांव, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो ऐसा ही रहता है भाई। देख रहे हो कितना क्लियर एकदम मस्त वीडियो आ रहा है, देख रहे हो ऐसे। हाय हाय, क्या बोल रखा होगा पता नहीं। है ना मस्त नज़ारा भाई, उस तो यहाँ भी पड़ती है यार। ये देखो पूरा का पूरा गांव है, मतलब खेत है, सॉरी गांव तो है ही, वो गांव नहीं होंगे तो कैसे होगा। ओ भाई, ओ भाई मूंग बो रखे भाई, मूंग देख रहे हो। चलो भाई मिक्कू भाई से मिल लिए, चलो मिक्कू भाई मिलते हैं फिर। कब आ रहे हो राजस्थान? आ रहे। चलो ठीक है भाई, इनका बस एक ही रोना धोना होता है, आ रहे हैं आएंगे तो पता नहीं कब। और हमने भी वापस उठा दिया है बैग और नीचे उतरते अभी। है ना पूरा गांव विलेज एरिया, देख रहे हो कैसा गांव है, एकदम मस्त ट्रेडिशनल। ये रही भाई गाड़ी और ये रहा मिक्कू का घर, गाय भैंस बंदी है, ये चारे पड़े, ट्रैक्टर ट्रॉली, बस ऐसा ही। बड़े गांव है भाई, अच्छा लगा एकदम ठंडा ठंडा, अपने उधर जैसा नहीं है भाई, ज़्यादा गर्मी है ऐसा कुछ है नहीं इधर। अभी है भाई जगत सिंहपुर में और ये जाता है कटक की तरफ रास्ता, तो चलते हैं कटक और फिर वहाँ से निकल जाएंगे बंगाल के लिए, कोलकाता मतलब। तो बस उड़ीसा में यही था। अगर देख भाई जिद कर रहा है और तबीयत वबीयत ख़राब हो गई तो मेरे को पता नहीं है भाई, नहीं एक भाई नहीं। अरे भाई नहीं होता, समझा कर यार हमसे, ये चीज़ ये क्या है भाई, क्या ले जा रहे हैं। मिक्कू भाई को बोल दिया भाई अभी निकलते हैं, थोड़ा चलना पड़ेगा क्योंकि फिर आराम किया था तो दिक्कत रहेगी। जगत सिंहपुर से बाहर तो आ गए पूरे, अभी लिफ्ट मिलने में थोड़ी आसानी रहेगी क्योंकि जो लंबे लंबे बंदे जाते हैं वो ध्यान रखते हैं कि कैसे क्या है। और अभी 38 का डिस्टेंस ही है तो ट्रक वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करते भाई, बाइक वाइक पर चले जाएंगे, है ना। लैंडस्केप कितना शानदार है ना, एकदम दबा मस्त, दूर दूर तो कुछ नहीं है, बस ऐसा ही होता, मज़ा आता है देखने में, चलने में भी हवा आती रहती है, अच्छे से चलते रहते हैं। रुद्र मेरा बादल, बादल आपका उपुन, उपुन उपुन, और चलते आगे। चलो भाई थैंक यू, नाइस टू मीट यू। मत बैठे थे चैनल ऐसे ऐसे करके पूरे भारत में पहचान बन जाती है भाई। विजित भाई मिले तो विजित भाई हमें छोड़ेंगे
कटक तक है ना, फिर कटक से अपन लोरी वगैरह लेके चले जाएंगे। और वो पिला दिया, क्या बोलते हैं उसे, लस्सी, लस्सी पिला दिया, तो पी के अभी निकलते हैं बस। और भाई वेलकम टू कटक, तो उस तरफ चलते हैं क्योंकि अभी मेरे को अभी कोलकाता जाना है और थोड़ा चाय पीना है, चाय के बगैर कुछ भी नहीं है। ये बढ़िया जगह है गाड़ी के आगे, इसके पास क्या है, गाड़ी रोकने की जगह भी है, तो यहीं मांगते हैं लिफ्ट। अभी ये परफेक्ट जगह है भाई। अभी गुजरात की गाड़ी दिखी है 01, काफ़ी बैठ गए यार, खाना वाना खा लिया, रोटी वगैरह, और काफ़ी टाइम बैठे भाई हम, तो थोड़ा अभी लिफ्ट मांगते हैं यार, थोड़ा मतलब 100 किलोमीटर भी निकल जाए तो बढ़िया है भाई। और भाई सच बता रहा हूँ, सपोर्ट करो या गुस्सा करो, कुछ भी करो, मारवाड़ी से मत मिलो। आपको पूरे के पूरे देंगे भाई, मैंने कहा ना, मैं तो मारवाड़ी समझ के खाता हूँ, इससे अच्छा बढ़िया है भाई, मैं तो डोसे वगैरह खा के ही टाइम पास कर लूँगा भाई, मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ। तो उस मारवाड़ी होटल वाले के दर्शन किए कटक में, कुछ मिल ही नहीं रहा भाई, किस कोने आए भाई, देख लो बंदे भी आ गए भाई, और जब से उसके दर्शन किए कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा भाई, क्या कर सकते हैं। चलिए थोड़ी देर और खड़े रहते हैं, 40 मिनट तो हो गए भाई, तू मेरे लिए मानता नहीं हूँ बट बोलता हूँ तू मेरे लिए। लोग अंधेरा तो हो ही चुका है, अभी यहाँ से 2.8 किलोमीटर और बचा है पंप, तो पंप पे चलते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं, वहीं सो जाएंगे भाई, क्या करेंगे, आज कितने चले वो देख, उधर ही पंप पे जाके आपको बताऊंगा और रिचार्ज दूंगा भाई आपको। तो भाई पंप पे आ ही रहे थे तो बीच में मिल गए संतोष भाई, तो संतोष भाई ने ये खिला दिया, थैंक यू संतोष भाई, ऐसा कुछ है भाई नज़ारा। भाई इसका मंदिर का क्या बता रहे थे आप, ये सत्य मंदिर बोलते हैं, सत्य मंदिर, सत्य जगन्नाथ का मंदिर है। जगन्नाथ जी का ही मंदिर है जो मैं पुरी में दर्शन करके आया, वो बनता कैसे वो भी देख लो, अंकल बना रहे हैं। अंकल इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे, मंदिर सत्य तो प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ का। हाँ हाँ, वो तो पुराना का लिखा है। ओह जी, इसीलिए मैं आपको दिया, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको छेनापुड़ो बोलते हैं, छेनापुड़ा भाई, मस्त तो मस्त है, मैंने ट्राई किया अभी तो, करते हैं भाई, देखिए ऐसा कुछ नया है, आप भी आओ तो एक बार ट्राई करना यहाँ। हाँ छत्तिया मंदिर, तो इनके जस्ट सामने ही दुकान है अंकल की, इनको तो आप पहचान ही लीजिएगा। नहीं मंदिर पे जा रहे हैं, एक भैया ने 65 किलोमीटर के लास्ट में देखे अपना आज का रिकॉर्ड पूरा कर दिया। चल रहे हैं त्रिनी मंदिर पे जाते हैं, वहीं लगाएंगे अपना तंबू, या लगाएंगे या फिर देखेंगे सोने की सही जगह होगी तो फिर तंबू नहीं लगाएंगे भाई। आज का ठिकाना रहने वाला हमारा यहाँ इस मंदिर में, जहाँ प्लग रहेंगे वहीं तो हम रहेंगे भाई। चलो चार्जिंग बोर्ड मिल गए, नारियल देखिए कितने आते हैं भाई चढ़ावे में, है ना, एकदम दमदार भाई, नेक्स्ट लेवल। ओहे, चलो भाई सोते हैं फिर, गुड नाइट, और मिलते हैं एक और अगर अगले नए वीडियो में। तो यार थोड़ा थक चुका हूँ यार, काफ़ी 10-12 किलोमीटर चल लिए, हाँ तो क्या करें, चलना पड़ता है, मतलब आज ऐसे रेगुलर चल लिया, आराम नहीं किया इसलिए दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं चलता है कभी कभार, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।